नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। शबे बरात व होली त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को नगर थाना में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रशांत कुमार ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। साथ ही एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी दीनानाथ सिंह मौजूद थे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों के साथ शहरी इलाके के वार्ड पार्षद व गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग का भरोसा जताया। सभी जनप्रतिनिधि ने बताया कि जिस दिन होली है उसी दिन शबे बरात के साथ जुमे का दिन भी है, इसलिए जुमे की नमाज के दरमियान चिन्हित जगहों पर पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए ताकि कोई नमाजियों को अबीर गुलाल ना लगाए और विवाद ना हो। कई पंचायत के मुखिया ने बताया कि होली के मौके पर देशी शराब की बिक्री जोरों पर होती है। बड़ी संख्या में लोग संथाल टोला से शराब पीकर हुड़दंग करते हैं। अगर इस पर अंकुश लगाई जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कई लोगों ने सलाह दिया कि होली के दिन अपने बच्चों को बाइक ना दें। बैठक के अंत में डीएम, एसपी और जितने भी पदाधिकारी मौजूद थे, सबों ने जनप्रतिनिधियों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार आपसी सौहार्द बनाने का है, इसलिए खुशनुमा माहौल में होली और शबे बरात को संपन्न कराया जाए। सबसे पहले होली की शुभकामनाएं और शबे बरात की शुभकामनाएं। हमारा अररिया जीता जागता सबूत है। मैं सलाम करती हूँ अररिया की प्रशासन को। हर मौके पर अररिया वालों के लिए जो इन्होंने कर दिखाया है, मैं सलाम करती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ अररिया की प्रशासन को। जिस तरह से हर माहौल में, हर तरह से लोगों के बीच में आकर एकता बनाकर खूबसूरत अररिया को और अच्छा बनाने का कार्य किया है। सबे रात दिन में मनाया जाएगा और रात में मनाया जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कहीं भी कोई माहौल अररिया में नहीं बिगड़ने वाला है जिससे प्रशासन की जरूरत पड़े। हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए प्रशासन की। इस तरह का माहौल बनाकर हमको रखना है और इसी तरह से हम लोग त्योहार आपस में मनाएंगे। होली भी होगा, शिवरात भी होगा और हम लोग भाईचारगी के साथ अररिया में इतिहास रचा जाएगा कि अररिया की प्रशासन ने, अररिया के लोगों ने, अररिया की जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से एकता बनाकर अररिया को चलाया है, आगे भी हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आगे भी इस तरह खूबसूरत अररिया और हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान बन के रहे। जय हिंद, जय भारत। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, नगर थाना के जांबाज इंस्पेक्टर साहब, सम्मानित तमाम क्षेत्र से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, कल के शबे बरात का रात जो होगा, हम मांग करते हैं कि काली मंदिर चौक पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, चांदनी चौक पर, टाउन हॉल चौक पर, आजाद एकेडमी चौक पर, खलीलाबाद मस्जिद चौक पर और डीपीएस स्कूल चौक पर और मवेशी अस्पताल के चौक पर और ठाकुरबाड़ी चौक पर इन पॉइंटों को प्रशासन के द्वारा चिन्हित कर लिया जाए, क्योंकि पूरे जिले के कोने कोने से, हर मोहल्ले टोले से लोग आते हैं अपने मरे हुए पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए दुआ खैर करने कब्रिस्तान पहुंचते हैं। उसमें कुछ बच्चे हैं जो हुड़दंग मचाते हैं, किन्हीं का बायनर को नोच लेना, किन्हीं के घरों में ढेला फेंक देना, इस तरह का घटना आता है। हम लोग नमाज और इबादत मजबूरी में छोड़ करके उन हुड़दंग के पीछे में हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इन पॉइंटों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाए ताकि किसी तरह का हुड़दंग को हम रोक सके। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार होली और शबे बरात के हार्दिक अग्रिम बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोनों त्यौहार अलग अलग वक्त बनाया जाता है। शबे बरात अक्सर रात भी मनाया जाता है, दिन में इबादत घर पे कर लेते हैं, और होली दिन में मनाया जाता है। हम होली दिन में खेलेंगे और रात भी शराब डालेंगे। बस समस्या कहाँ आ सकती है, बस नमाज के टाइम में। हमें रंगों से कोई परहेज नहीं है, बस नमाज के टाइम में कुछ होता है तो वहाँ पर कुछ दिक्कत होती है।
मैं मुझे नहीं लगता है कि वैसा कोई जगह है जहाँ हम ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस एक थोड़ा खड़िया बस्ती की तरफ कुछ जगह है वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए। थैंक यू सो मच। होली एवं शबे बारात के अवसर पर आदर्श नगर थाना अररिया में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, इंस्पेक्टर नगर थाना अध्यक्ष एवं सर्किल इंस्पेक्टर विश्वजीत जी उपस्थित, दीनानाथ जी एक्सिक्यूटिव ऑफिसर, मेनका थाना अध्यक्ष बैरगाछी एवं उमेश थाना अध्यक्ष आरएस तथा यहां पर उपस्थित सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गेड़ा पंचायत के मुखिया सरपंच रेशम लाल जी और मासूम मुखिया, हमारे रामपुर कोटरकट्टी के मुखिया बमशंकर झा जी, फैसल युवा नेता फैसल और लवली नवाब जी, पार्षद सुष्मिता ठाकुर मौसमी जी तथा तमाम अविनाश जी पार्षद जिनके यहाँ के आज बृहद पैमाने पर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम लोग स्वयं SDO साहब हम लोग उपस्थित रहते हैं, थाना अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और अपनी देख रेख में इस होलिका दहन को हम लोग करवाते हैं, चूंकि ये अररिया नगर का सबसे बड़ा होलिका दहन है। इस समाज की जागरूकता को बरकरार रखने वाले हमारे प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे तमाम पत्रकार बंधुगण, आज सबका हम इस आदर्श नगर थाना में स्वागत करते हैं। सारे लोग जो अपने विचार रखे हैं उसको गहराई से पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोगों ने नोट भी किया है, कहां कहां जैसे रामपुर कोदरकट्टी में वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 13 के बारे में बताए हैं, तो उस पर हम लोग राजेश जी बताएं, उस पर हम लोग गहराई से ARTF से रेड करवाएंगे निश्चित तौर पर। बमशंकर झा जी ने जो स्थान को चिन्हित किया है उस पर रेड करवाएंगे और मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग हुआ था तो यहीं पर बात उठी थी कि मुसहरी जो है सर्किट हाउस के पास उसमें काफी मात्रा में शराब है और मासूम जी उठाए थे प्रश्न। हम लोग यहीं से मीटिंग खत्म करने के बाद टाउन थाना SDO साहब हम लोग सब अपने नेतृत्व में वहां गए और मीडिया के कर्मी लोग भी गए थे, हम लोगों ने सघन छापामारी किया था चारों ओर गड्ढा उड्ढा में खोजा, लोगों को समझाया, समझाने के बाद भी जो है उन लोगों में फर्क पड़ा है। उसी प्रकार हम लोगों ने जयप्रकाश नगर में भी महिलाओं को बैठा के समझाया भी है, रेड छापामारी कार्रवाई के अलावा हम लोग जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। जैसे मासूम जी इस बार याद है कि नशा मुक्ति के लिए अपने गांव में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था, तो मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से यह अनुरोध है कि पुलिस की कार्रवाई साथ चलेगी, होली में हम लोग सजग हैं, सारे चौकीदार को चौकीदारी परेड के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे विभिन्न थानों का इंस्पेक्शन किए हैं और इंस्पेक्शन में सिर्फ चौकीदार को फोकस किए हैं कि तुमको क्या करना है, तुम्हारा वर्क क्या है, तुम चौकीदार किस लिए हो, तुम्हारा कार्य क्या है, और उसमें शराबबंदी को फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग रखे हैं जिला में। और भगवान के कोशिश से आप लोगों का समझ जिस तरह से लवली नवाब जी बोले हैं कि हम सलाम करते हैं प्रशासन को, तो हम बताना चाहते हैं उनको कि आप एक कदम चलिएगा तो हम 4 कदम आपके साथ चलेंगे, निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं। और जिस जिस जगह को चिन्हित किया गया है उस पर हम चौकस हैं, उस पर हम छापामारी कराएंगे और लोगों को हम जो अभी रजक जी जो एडवाइस किए हैं ये पहले भी हम लोगों ने उठाया कि होली और शबे बारात सिर्फ बाइकर्स के कारण गड़बड़ाता है, तो तमाम पॉइंट्स पर हम लोग बाइक चेक करेंगे, उसका बाइक अगर पकड़ाया जाए तो हम लोग थाना में रखेंगे, वो छूटेगा नहीं, होली के बाद ही छूटेगा। शबे बारात में भी रात को लोग हैं वो बाइकर्स खाली बाइक चलाता है, तो गार्जियन अभिभावक से भी मेरा गुजारिश है अनुरोध है कि कम से कम आप 2 दिन अपने बाइक को तो बंद करके रख दीजिए कि बेटा को नहीं देंगे, आप ही का बच्चा एक्सीडेंट कर जाता है, आप ही के बच्चे की कैजुअलिटी होती है, हम लोग अफसोस करते हैं, आप रोज जाम करते हैं, हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, 2 आदमी रहता है तो उसको मुआवजा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आश्वासन देते हैं समझाते हैं क्यों ऐसी नौबत हमारे क्यों नहीं हम उसको रोके, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा एक कदम और सहयोग करें कि होली और शबे बारात को जो है बाइक एकदम बंद करवा दे, बाइक नहीं दे, जो बाइक देते आप जो बाइक का हम लोग चेक करेंगे, जो बाइक पकड़ेगा वो होली के बाद ही छूटेगा, होली के पहले छूटेगा नहीं होगा क्योंकि उसको रिपीटिशन हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि जिस तरह से आप लोगों ने कमिटमेंट किया है, हर बार दोनों तरीके हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाया, हर्षोल्लास से मनाया, शांतिपूर्वक मनाया, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और मैं जिला पदाधिकारी महोदय को और SP महोदय को आश्वस्त करता हूँ आपकी तरफ से, इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा, इस बार भी शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से ये दोनों पर्व मनाया जाएगा। समय
की बाधा को देखते हुए मैं दो चार बिंदु है जिस पर मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से अररिया वासियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ, तो जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी मुस्लिम भाई जो अपने पर्व मनाए हो, कृपया कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको भी अनुपालन करें, उसे पूरी तरह छोड़े नहीं। दूसरी बात, जो हिंदू भाइयों में ये होता है कि हिंदू होली के समय सभी लोग बाहर से आते हैं, जितने भी जिस तरह मुहर्रम में लोग बाहर से आते हैं मुस्लिम भाई लोग, उसी तरह होली में हिंदू भाई लोग सब बाहर से आते हैं और अपने घरों पे ही होली पढ़ने आते हैं। आप लोगों को पता है कि बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो आपसे अनुरोध है कि उनको हो सकता है अनजान उनको पता ना हो और वो गलती से वो शराब ले आए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि उनको जरूर सचेत करें, उनको जरूर चेतावनी दें कि यहाँ पे बिहार में जो है आपका शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो आप लोग कृपया शराब ना लाएं। अगर वो शराब लाते और पकड़े जाते तो पूरी होली आपके थाने में बन जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि उनको रोकें, और अगर ले आए हैं तो एटलीस्ट उसको थोड़ा फेनस कर दें, अगर लाए हैं तो पीना नहीं है उनको। तीसरी बात, यहाँ पे DJ जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, हमारे स्तर से कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा, और हमने सभी थानाओं को बता दिया था कि DJ का हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग के माध्यम से फिर मैं अनुरोध करूँगा कि DJ को जो DJ वाले DJ बजाएंगे तो उनका तो DJ जब्त कर लिया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई भी वो भी कर दी जाएगी। पूरे ज़िले में डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करके और सभी जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की। सबसे पहले तो ज़िले के सभी थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, और थाना में सिर्फ एक ही जगह नहीं, अन्य भी जो संवेदनशील पंचायत हैं वहां पे भी पीस कमेटी की मीटिंग कराई गई है, निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है, बॉन्ड डाउन भी कराए गए हैं, जिले में फोर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं और उन सबका डिप्लॉयमेंट भी कराया गया है, पेट्रोलिंग वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, सारी एहतियाती होली के अवसर पे और सभी बरात के अवसर पे किए गए हैं। पीस कमेटी में जो भी चिन्हित जगह जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताए गए हैं उस पर भी हम लोग डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं, डिप्लॉयमेंट पॉइंट पे सारे फोर्स पहुंच चुके हैं। पूरे ज़िले में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट साहब के साथ फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। मैं पुनः जिला के सभी नागरिकों को होली और स्वर्ण बरात के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये बंधु के माध्यम से मैं अररिया जिला के सभी जो नगरवासी हैं उनको आगामी होली एवं शबे बारात के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। होली एवं शबे बारात जो है उसके लिए प्रशासनिक सभी तैयारियां हम लोगों के द्वारा कर ली गई है, सभी थानाओं में शादी समिति कर ली गई है और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करते हुए 107 एवं 110 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जॉइंट ऑर्डर निकला है, डिपुटेशन पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किया है और शांति समिति के द्वारा जो प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा जो भी इश्यूज रेज किए गए हैं उसको भी हम लोग निपटेंगे, और लहरिया कट करने वाले जो भी हमारे जो बाइकर्स हैं उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं, और शराबबंदी पूर्ण लागू रहेगा तो कोई भी नशा में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार पुनः DJ पे भी देखिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी अररिया के नगरवासियों को होली एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।